भैया इंटरनल मार्क्स को लेके क्या करेंगे, आखिरकार इंटरनल मार्क्स हमारे कहाँ जा रहे हैं? काफी बच्चे परेशान है, काफी बच्चे डिस्टर्ब है, काफी बच्चे डिमोटिवेट भी हैं कि भैया हमारे इंटरनल मार्क्स कहाँ जा रहे होंगे, हमें इंटरनल मार्क्स पूरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं मेरी जान कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है कि इंटरनल मार्क्स को क्या किया जाता है, इंटरनल मार्क्स किस किस को दिया जाता है, इंटरनल मार्क्स किस किस को नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन टीचर्स को भी हम एक्सपोज करेंगे। पहली पॉइंट कि टीचर्स के अगर तुम खास होगे तुम्हें तो इंटरनल मार्क्स पूरे मिल रहे होंगे भैया। उसके बाद प्रैक्टिकल, ये जो फाइल्स वगैरह दी जाती हैं या प्रैक्टिकल जो फॉर्म वगैरह भरा जाता है, तो मैं आपको बता दूं आज तुम वो फाइल को सजा के दे रहे हो, कल वो किसी कचड़े के डब्बे मिलेगा या तो कल वो किसी को बेच दिया जाएगा। मेरे घर भी स्कूल चलता है, मैं सारे फॉर्मेलिटी जानता हूँ, मैं भी डील करता हूँ स्कूल में, तमाम प्रकार की चीज़ें मैं भी संभालता हूँ कि प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है, किन बच्चों को क्या। तो मैं ऐसा नहीं कि वो बच्चा मेरा प्रिय है तो मेरे को उस बच्चे को पूरा ही मार्क्स देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिकल के इंटरनल मार्क्स जो भी होते हैं उसमें कम से कम नहीं तो 80 से 85 या 90% तक तुम्हारे मार्क्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स मान लो 20 नंबर का है तो तुम्हें कम से कम 17 से 18 नंबर दे दिए जाएंगे, 19 नंबर दे जाएंगे, किसी किसी को 20 नंबर भी दे दिया जाएगा। लाइक किसको 20 नंबर दिया जाता है, जो बंदा अपने क्लास में टॉपर होता है, भाई ये तो टॉप कर रहा है, ये की चीज़ें कर रही है, वो चीज़ें कर रहे हैं, तो इसको कर लेने दो। ये हम नॉर्मल स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो दो प्रकार के स्कूल होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल जैसे लाइक केंद्रीय विद्यालय होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल के जो मतलब जो प्रैक्टिकल का जो टेस्ट लेते हैं वो मास्टर आते हैं, उनसे तमाम प्रकार के MCQs पूछते हैं, कुछ वन साइड क्वेश्चन पूछते हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मेलिटी की जाती है, वहाँ के बच्चों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बट नॉर्मल जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर डाला या नॉर्मल स्कूल से वो बिलोंग कर रहे हैं, नॉर्मल CBSE के पैटर्न से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो इन सब चीज़ों को अगर तुम सोच रहे हो भैया कि इंटरनल मार्क्स को लेकर कि ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, ये चीज़ें मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगी या ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनल मार्क्स सबको पूरे मिलते हैं, पूरे का मतलब कि 85 से 90% इंटरनल मार्क्स के 85 से 90% तुम्हें दे दिए जाएंगे। तो भी रिलैक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, तो रिलैक्स रहो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। If you want to short notes, SST के short notes या science के short notes या maths के short notes, तो let me know in the comment box किन किन को short notes चाहिए, comment box में बताओ, वहाँ से मैं आपको short notes देना शुरू कर दूंगा। और किस किस को blueprint चाहिए वो भी मेरे को बता सकता हो। इंटरनल मार्क्स की अब चिंता खत्म, एकदम रिलैक्स हो जाओ। 8808172314 दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ क्रिएट ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। अदरवाइज पूरा प्रत्येक 17:18 दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके आप जरूर बताना। इंटरनल मार्क्स का लोचा आप खत्म, इंटरनल मार्क्स सबको पूरे मिलते हैं, ठीक है। रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स रहो यार, क्योंकि मैंने 3 साल से बच्चों को गाइडेंस किया है, मैंने 3 साल से ये यूट्यूब चैनल मैं 2-2.5 साल से चला रहा हूँ, 1 साल से मैं जी जान से चला रहा हूँ। वो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी कि भैया किस तरीके से, तो मैं हज़ारों बच्चों को गाइड करता हूँ, हज़ारों बच्चों को ऑफलाइन गाइड करता हूँ, मेरा स्कूल खुद का चलता है, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।